आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे ई गवर्नर्स क्या होता है। ठीक है, ई गवर्नर्स के अंतर्गत यहाँ पे हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि ई गवर्नर्स होता क्या है और नहीं पता है, तो इसलिए हम जो है ई गवर्नर्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ई गवर्नर्स के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक विभाग 1970 में जो है फाउंडेशन हुआ था, उसके बाद एक और फाउंडेशन हुआ नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर 1977 में। तो जो पहला फाउंडेशन था उसमें जो भी दस्तावेज आप बनाते थे वो आपको सरकारी दफ्तर में या ऑफिस में जाके ही बनवाना पड़ता था और वहाँ से लेके आना पड़ता था। लेकिन जो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर आया 1977 में, उसमें क्या हो गया, जो भी दस्तावेज आप बनवाते थे उसका जो वेरिफिकेशन होता है, यानी कि जो भी उसके अंदर गलती हो जाता था उसके लिए जो आपको फ़ोन करके पूछा जाता था, जैसे आपका नाम, ठीक है, आपका फादर नेम और भी जो जानकारी होता था वो आपको फ़ोन पे जो है बताना पड़ता था या फैक्स करके जो है आपको भेजना पड़ता था। और कुछ चीज़ें ऐसी ही होने लगी उसके बाद कि जो भी जानकारी छोटा मोटा अगर कागज़ का था, मतलब नॉर्मल जानकारी, तो वो जो है फैक्स के द्वारा आपके घर पे भेज दिया जाता था पोस्ट के द्वारा। तो 1977 में जो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर आया था, इसी में अब एक और आ गया है, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया जो है ये भी ई गवर्नर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, ई गवर्नर्स का पार्ट है डिजिटल इंडिया। ठीक, अब डिजिटल इंडिया के अंदर क्या होता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो सारा जो है ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन यानी कि आपको जो है ऑनलाइन ही सभी कुछ आपको जानकारी फिल कर देना है वेबसाइट पे जाके, और बन जाने के बाद वो चीज़ जो है आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कुछ वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन के लिए जो आपको फ़ोन कॉल या वेबसाइट पर ही जो है वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, और बन जाने के बाद आपको जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको जो है डाक के द्वारा जो है आपको पोस्ट कर दिया जाता है, और एक और कॉपी होता है जो आप इंटरनेट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हो सकता है पोस्ट किया हुआ कॉपी आपको नहीं मिला दस्तावेज का, तो आप जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अंदर आपको जो है किसी भी चीज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जो भी चीज़ है वो बनने के बाद आप जो है ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज जो है ऑनलाइन हो चुका है। उसके बाद आते हैं कि ई गवर्नर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य जो है चार प्रकार के होते हैं। एक होता है G2G, उसके बाद G2C, उसके बाद आता है G2B और उसके बाद आता है G2E। अब ये चार जो होते हैं, ये चारों में अलग अलग तरीके से काम होते हैं। ठीक है, ये चारों में अलग अलग तरीके से काम होता है। अब ये चार में जो काम होते हैं अलग अलग तरीके से, ये कौन कौन से काम होते हैं ये हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस हमने इतना जाना कि ई गवर्नर्स क्या होता है। तो आपको पता है कि ई गवर्नर्स, आप जो है आप बता सकते हैं कि ई गवर्नर्स के अंदर जो भी डिजिटल इंडिया में काम किया जाता है वो सारे काम जो है ई गवर्नर्स में ही किया जाता है, क्योंकि ये सारा काम जो है ई गवर्नर्स के अंदर आता है। लेकिन ई गवर्नर्स ने जो क्या किया है, इन सभी काम को जो है अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। ठीक है, तो ई गवर्नर्स ने कुछ दस्तावेज होते हैं जो ऑनलाइन बनते हैं, उस चीज़ों को दे दिया है डिजिटल इंडिया को। तो डिजिटल इंडिया की जो साइट है, जो डिजिटल इंडिया है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन दस्तावेज बना सकते हैं। तो ई गवर्नर्स और डिजिटल इंडिया दोनों जो है एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ई गवर्नर्स जो है वो एक अलग संस्था हो गया और डिजिटल इंडिया जो एक अलग हो गया। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ई गवर्नर्स जो भी काम कराएगा वो किसके द्वारा कराएगा, डिजिटल इंडिया के द्वारा कराएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना ई गवर्नर्स के बारे में। आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।